स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास है बायोलॉजी की, उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है जेनेटिक्स। बात करते हैं हम जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स में आपने देखा होगा कि यदि हमें जेनेटिक्स पढ़ना है, आनुवंशिकी पढ़ना है, तो हमें सबसे पहले जो है वो गुणसूत्र के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुणसूत्र जो होते हैं उसमें जो है मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या अलग होती है, पेड़ पौधों में अलग होती है, सभी जीव जंतुओं में अलग अलग पाई जाती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मानव गुणसूत्र की, तो हम बताना चाहेंगे आपको कि जो मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होती है 46, या हम उसे कह लें 23 जोड़ी गुणसूत्र। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र है आपके सामने एक गुणसूत्र, ये 23 जोड़ी गुणसूत्र में से 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो नर और मादा दोनों में समान होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र, जो दोनों में समान होते हैं, मेल हो या फीमेल हो। और लास्ट वाली जो 23वीं जोड़ी होती है, आखिरी जो होती है, उस 23वीं जोड़ी को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र, जो कि जो बच्चे का जन्म होता है तो उसमें पुत्र होगा या पुत्री, उस लिंग का निर्धारण उस 23वीं जोड़ी के द्वारा किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और पूरी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, केवल हमारे जनन अंगों को छोड़कर, है ना, जनन अंगों को छोड़कर बाकी जो हमारे शरीर के दैहिक भाग है उन सब में जो है पाए जाने वाले गुणसूत्र जो होते हैं वो कहलाते हैं समजात गुणसूत्र। तो दो प्रकार के गुणसूत्र जो हुए, एक हुआ समजात गुणसूत्र ऑटोसोमल जिसे हम कहते हैं, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो कितने जोड़ी गुणसूत्र हुए? 23 जोड़ी, क्योंकि गुणसूत्र हमेशा पेयर में रहते हैं, जोड़ी में रहते हैं। और लास्ट वाला जो होती है 23वीं जोड़ी, जिसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम या फिर लिंग गुणसूत्र। अब हम बात करते हैं गुणसूत्रों की। इसलिए मैंने आपको कहा कि आनुवंशिकी यदि हम पढ़ते हैं तो हमें गुणसूत्र हुआ, डीएनए हुआ, जीन्स हुआ, इन सबके बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि यह हमको जानकारी नहीं हुई तो हम आगे जेनेटिक्स को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगी हमें। तो हम यहाँ बात करेंगे गुणसूत्र की। गुणसूत्र जिसे हम इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं, एक कलर बॉडी है, क्योंकि ये रंगी हुई संरचना होती है, अभिरंजित कर सकते हैं इनको हम, है ना। और ये डीएनए, आरएनए, क्षारीय व अम्लीय प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ये इनकी प्रकृति होती है अम्लीय प्रोटीन। तो डीएनए, आरएनए, क्षारीय व अम्लीय प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। खोज, इनकी खोज सेल डिवीजन के दौरान जब कोशिका विभाजन होता है, आपको बताया कोशिका विभाजन समसूत्री अर्धसूत्री, तो कोशिका विभाजन के दौरान इसको जो है स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट द्वारा सबसे पहले इसकी खोज की गई थी, उनके द्वारा इसको देखा गया था। लेकिन नाम जो है इसको, इसका जो नामकरण है वो किया था वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने। दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोशिका विभाजन के दौरान सबसे पहले किसने देखा, तो स्ट्रासबर्गर ने देखा। इसका नाम किसने दिया? वाल्डेयर ने दिया। ये साइज क्या हो सकती है इनकी? इनकी साइज 0.25 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन तक हो सकती है, मतलब सबसे बड़े 30 माइक्रोन वाले। अब मनुष्य में जो होते हैं उसकी साइज होती है मानव के शुक्राणु की, वो लगभग 5 माइक्रोन के बराबर होती है। अब इनकी कुछ विशेषताएं होती है, क्या विशेषताएं होती है कि ये आनुवंशिकता के वाहक होते हैं। इनका कार्य लिखा मैंने यहाँ पे कि ये आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो दादाजी के जो में जो लक्षण पाए जाते थे वो सारे के सारे कैरेक्टर्स हमारे माता पिता उस दादा दादी में जो होते हैं, वो सारे लक्षण जो होते हैं वो नाना नानी में जो होते हैं, हमारे पूर्वजों के जो लक्षण है वो हमारे मम्मी में पापा में होते हैं, फिर हमारे माता पिता के लक्षण जो किसमें होते हैं, हम सब भाई बहनों में होते हैं, और हमारे लक्षण किसमें होते हैं, हम हमारे बच्चों में होते हैं, तो आने वाली संततियों में। तो सेम जो है कैरेक्टर्स का पाया जाना क्यों होता है, सेम कैरेक्टर्स, ये सब पूरा का पूरा डिपेंड करता है जो कोशिका के समय अर्धसूत्र, कोशिका विभाजन के समय जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के समय 50% गुणसूत्र जो होते हैं मदर के और 50% गुणसूत्र जो होते हैं वो फादर के होते हैं। तो दोनों के गुणसूत्रों का जो है फ्यूजन होता है, दोनों के केंद्रकों का फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन होने के बाद जो जायगोट बनता है उसमें दोनों के जो है गुणों का सम्मिश्रण होता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसके कुछ गुण जो है वो पिताजी के साइड के और कुछ गुण जो है वो इधर माताजी के साइड के, तो इसलिए मदर और फादर दोनों के गुणों का सम्मिश्रण आने वाली संतति में होता है। तो हम जो है इसमें इनका काम ही यही है कि आनुवंशिकता के वाहक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, आनुवंशिक सूचनाओं को ले जाते हैं। फिर उसके बाद में है जीन्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना, इन्हें एसिटोकार्बिन जैसे अभिरंजकों से रंगा जा सकता है, इनको अभिरंजित कर सकता है,
सकते हैं, ये एक प्रकार के अभिरंजक है ना, तो इनको शार्की अभिरंजकों से भी रंगा जा सकता है और एसिटोकार्बिन जैसे। कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में स्पष्ट दिखाई देते हैं। बात आती है सेल डिवीजन की। कोशिका विभाजन की अवस्थाएं होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, है ना, तो इन अवस्थाओं में सबसे ज्यादा स्पष्ट ये कौन सी अवस्था में दिखाई देते हैं, तो ये दिखाई देते हैं मुख्य रूप से मेटाफेज अवस्था में, मध्याफेज अवस्था में। क्रोमोनीमेटा, अब इनकी संरचना देखेंगे हम कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो इसमें जो मुख्य रूप से पार्ट्स पाए जाते हैं क्रोमोनीमेटा, जिसका एक वचन है क्रोमोनीमा, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए ये गुणसूत्र एक पतधागिनुमा संरचना है, इसमें आप देखिए आपको यहाँ पे एक जो है पूरा धागिनुमा संरचना जो एक दूसरे पे कुंडलित होते हुए नजर आ रही है, ये जो कुंडलित संरचनाएं आपको नजर आ रही है इन कुंडलित संरचनाओं को हम कहते हैं क्रोमोनीमेटा, इनको कहेंगे क्रोमोनीमेटा, और एक टुकड़े को हम कहते हैं क्रोमेटिड, पतले धागे के समान संरचनाएं दोनों एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई है और दोनों मिलकर कहलाती है क्रोमोनीमेटा, और यदि हम एक टुकड़े को देखते हैं तो होता है क्रोमेटिड, अर्धगुणसूत्र जिसे कहते हैं। क्रोमोनीमा एक वचन होता है, इसको क्रोमोनीमा भी कहते हैं। क्रोमेटिड आपको बता ही दिया मैंने कि अर्धगुणसूत्र जो होता है। क्रोमोमियस ये दिखाई देते हैं प्रोफेस की, प्रोफेस फर्स्ट की जो लेप्टोटीन अवस्था होती है, बहुत सारी अवस्थाएं होती है उसमें, लेप्टोटीन, जायगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, तो जो लेप्टोटीन होती है उसमें क्रोमोमियर से दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ देखिए इसमें क्रोमोनीमेटा के ऊपर आपको ऐसे दाने दिखाई दे रहे हैं, ये दाने मीन्स क्रोमोमियर्स, और क्रोमोमियर्स मतलब ये जीन की अभिव्यक्ति करते हैं, जीन ही एक प्रकार से, तो ये दानों के समान संरचना क्रोमोमियर्स कहलाती है। आपने सुना होगा कि जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो जीन्स जो होते हैं वो गुण सूत्र के ऊपर मोतियों के दानों के समान पूरे जमे हुए होते हैं क्रम में, उन्हें कहते हैं हम जीन, और इन जीन में क्या होता है, हमारी सारी आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है, सब आनुवंशिक सूचनाएं, जैसे हमारे बालों का रंग, हमारे आंखों का रंग, हमारी त्वचा का रंग, हमारी हाइट कितनी है, है ना, हम कहते ना किसी की हाइट कम रह गई तो हो सकता है कि उसकी मदर की हाइट कम हो इसलिए बच्चे की हाइट कम हुई हो, है ना, हो सकता है कोई बहुत ज्यादा लंबा हो तो उसमें फादर के जीन आए होंगे क्योंकि उसके फादर लंबे हैं, तो ये जीन जो होते हैं ये हमारी जो है सारी संरचनाओं को निर्धारित करते हैं। फिर उसके बाद बात आती है सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन। गुणसूत्र जो है वो कहीं भी यहाँ पे एक स्थान पर थोड़ा सा दब जाता है तो उसको कहते हैं प्राथमिक संकीर्णन, या इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर, ये सबसे मेन पॉइंट है सेंट्रोमियर, इसका सेंटर जो है तो इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर, क्योंकि इसी सेंट्रोमियर से ये गुणसूत्र जो है इसकी दो भुजाएं हो जाती है, एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड, तो ये सेंटर है, इसे कहते हैं सेंट्रोमियर या इसे कहते हैं प्राथमिक संकीर्णन। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्योंकि सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्रों के चार प्रकार होते हैं, अभी बताऊंगी मैं आपको आगे। ये यहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक स्थान पर पुनः दबता है जिसको हम कहते हैं संकीर्ण हो जाता है थोड़ा सा, इसे हम कहते हैं द्वितीयक संकीर्णन, और द्वितीयक संकीर्णन के आगे खुला हुआ भाग है वो कहलाता है सैटेलाइट, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का सैटेलाइट होता है, और अंत में यहाँ टेलोमियर, ये गुणसूत्र का बिल्कुल ऊपर वाला अंतिम सिरा है, ध्रुवीय सिरा है, अब इसके बंद होता है, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई दूसरे गुणसूत्र इससे अटैच नहीं होंगे, तो ये इस तरीके से पूरे गुणसूत्र की संरचना है। और दो सबसे मेन बात, इसमें बाहर की तरफ पेलिकल झिल्ली पाई जाती है, पेलिकल झिल्ली कहते हैं जिसे हम, और अंदर का जो पूरा द्रव्य होता है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, जिसमें डीएनए, आरएनए, क्षारीय अम्ली, प्रोटीन, मुख्य रूप से प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं, वो कहलाता है इसका आधार द्रव्य या मैट्रिक्स या आधात्री। ये दोनों जो है इनका जेनेटिक उस आनुवंशिक रूप से कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है, महत्वपूर्ण रोल इनका है क्रोमोनीमेटा का, क्रोमेटिड का, क्रोमोमियर का, तो ये मुख्य रूप से भाग लेते हैं जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो ये गुणसूत्र की संरचना में आपने कौन कौन से पॉइंट देखे, भारी झिल्ली पेलिकल, अंदर का द्रव्य जिसे हम कहते हैं आधात्री या मैट्रिक्स, है ना, दो धागेनुमा संरचना है जो एक दूसरे पे पूरी कुंडलित होती है जिसे कहते हैं क्रोमोनीमेटा, और ये एक 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 टुकड़ा यदि उसका देखते हैं तो वो क्रोमेटिड, और इसपे जो मोतियों के दानों के समान संरचना है वो कहलाती क्रोमोमियर्स या उसे कहते हैं जीन। बात प्राथमिक संकीर्णन, जहां ये दबा हुआ रहता है उसे कहते हैं सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन। दूसरे जगह जब आगे बढ़ के एक और सेकंड पॉइंट पे जो थोड़ा सा प्रेस रहता है उसे कहते हैं द्वितीय संकीर्णन, अंतिम सिरा इसका कहलाता है खुला हुआ सैटेलाइट, और पूरा जो लास्ट वाला है इसका वो भाग कहलाता है टेलोमियर, जिसे हम ध्रुव कहते हैं इसका, और उसके बाद ये किसी से चिपक नहीं सकता या अटैच नहीं हो सकता।
अब बात करते हैं इस सेंट्रोमियर के आधार पे गुण सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंट्रोमियर के आधार पे गुण सूत्र जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा प्रकार होता है? सबसे पहला प्रकार होता है इसका टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक का मतलब होता है कि ये सेंट्रोमियर यहाँ जाके और इस तरह से ऐसे यहाँ पर टीले पे बैठ गया, ये ऐसा गया और ऐसे टीले पे बैठ गया, तो इसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। यहाँ टीले पे बैठा इसलिए इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं टीलोसेंट्रिक, है ना। टीलोसेंट्रिक के बाद में दूसरे नंबर पे बात आती है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है? एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे सेकंड नंबर पे ये पहली भुजा जो है इसकी, ये वाली भुजा है, ये एक भुजा, फिर उसके बाद में ये यहाँ पे दूसरी भुजा जो है वो थोड़ी सी बड़ी और बीच में यहाँ पे सेंट्रोमियर है, तो इसे कहेंगे एक भुजा छोटी है इसलिए इसका नाम हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर की बात करते हैं तो वो होता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है? ये आपका सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर हो गया यहाँ पे कहें या यहाँ पे कहें, तो ये सेंट्रोमियर और इसी सेंट्रोमियर से दो भुजाएं, एक भुजा ये निकली यहाँ पे है ना, ये एक भुजा और दूसरी भुजा ये वाली, तो ये जो है सेंटर में है इसलिए इसको कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? सबसे पहले टीलोसेंट्रिक, टीले पे बैठ गया सेंट्रोमियर, एक भुजा छोटी और एक भुजा लंबी, तो इसे कहेंगे एक्रोसेंट्रिक और ये बीचों बीच है इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेटासेंट्रिक। ये मेटा, मेटा मतलब मध्य, मेटा मतलब मध्य, और एक जो है वो होता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा? जैसे सपोज कीजिए कि ये यहाँ पे टीलोमियर है, सॉरी ये है सेंट्रोमियर है, तो ये सेंट्रोमियर, अब सेंट्रोमियर से क्या होगा कि एक भुजा तो निकलेगी ये इस तरीके से और एक भुजा जो है वो इस तरीके से, तो इसकी आकृति जो होती है या तो ये आकृति होती है एल आकार की या ये आकृति होती है जे आकार की। आप देखिए ये एल या फिर हम इसको जे भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे वी शेप बन रहा है, ये यहाँ की विशेषता है कि ये वी शेप होता है मेटासेंट्रिक में, और इसमें सब मेटासेंट्रिक जो होता है इसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक, ये सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रिक सब में लगाना है, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर टीले पर जाकर बैठा है बिल्कुल ऊपर, एक्रोसेंट्रिक में एक भुजा बहुत छोटी और एक लंबी है और ये बीच में, मेटासेंट्रिक में मध्य में सेंट्रोमियर है और सब मेटासेंट्रिक में ए या जे आकार का हो जाता है। तो ये इसके चार प्रकार है। गुणसूत्र की संरचना बनाने में मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चों को विद्यार्थी सभी बना सकते हैं। फिर भी एक छोटा सा जो है इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले यहाँ से इस तरीके से एक जो है लेना है, फिर यहाँ पे लेते हुए आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर्व देके थोड़ा सा प्रेस करने का प्रयास करेंगे, फिर वापिस से वहीं उसी लाइन पे आ जाएंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा प्रेस किया और प्रेस करने के बाद इसको इस तरीके से आपने घुमा दिया और यहाँ से जो है आप इसको ले जाते हुए और एक फुला हुआ भाग बनाएंगे जिनको हम कहते हैं सैटेलाइट, और यहाँ पर आपको जो है इस तरह से पूरी आगे तक संरचना बनानी है और यहाँ पे आपको मोतियों के दानों के समान जीन्स बताने। ये गुणसूत्र की संरचना है और ये गुणसूत्र अगर आपको आनुवंशिकी पढ़ना है और नहीं भी पढ़ना है तो 10th क्लास के लिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो है बच्चों द्वारा ये प्रयास किया गया, आप देखिए यहाँ पर ये मैंने जो चित्र बनाया है यही बच्चों के द्वारा मॉडल भी बनाया गया, इसमें आप देखिए आपको वही भारी झिल्ली पेलिकल अंदर दो धागे नुमा संरचना है जिन्हें हम क्या कहते हैं क्रोमोनी मेटा है क्रोमेटिड है ना, ये बीच में प्राथमिक संकीर्णन, ये द्वितीयक संकीर्णन और ये इसको जो है सेंट्रोमियर भी कहते हैं और ये यहाँ पे सैटेलाइट, तो इस तरीके से ये जो है विद्यार्थियों के द्वारा बनाया गया है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।